रसी अंगे खोटो भ्रम फैलावनाराओने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जवाब आप्यो छे। रसी अंगे मनसुख मांडविया करी राज्य सरकार टकोर, केन्द्र वेक्सिन विषे पहले थी राज्यों ने जानकारी आपी रही है। वधुमा मनसुख मांडविया कहूँ के निर्थक निवेदनबाजी खोटो भय पैदा करे छे अने आवा खोटा निवेदनों करता नेताओं आत्मनिरीक्षण की जरूर छे। मांडविया कहूँ के वास्तविक विश्लेषण की स्थिति समझी शकाय छे। मनसुख मांडविया वधुमा कहूँ के रसीनी उपलब्धता संदर्भ में राज्य सरकारों और नेताओं ने निवेदनों विषय जानकारी मिली रही है, पर खोटा निवेदनों भ्रम उत्पन्न करे छे। सरकारी और खानगी हॉस्पिटल में रसीकरण थी शके ते माटे जून में 11.46 करोड़ डोज अपाया, आ उपरांत जुलाई में 13.50 करोड़ डोज अपाया छे। जुलाई में आपना भी डोज विषय जानकारी 19 जून ने आपवामां आवी है। मनसुख मांडविया कहूँ छे राज्यों ने पहले थी माहिती ए माटे अपाई छे, केम के राज्यों ने वितरण विषय सारी रीते खबर पड़ी शके। केन्द्र अगाउथी जानकारी होवा छता मिसमेनेजमेंट थतुं होय तो स्पष्ट छे के समस्या शुं छे अने तेनुं कारण शुं छे। हवामान विभागे आजे आवतीकाले राज्य में वरसादनी आगाही करी छे। आगामी 3 दिवस वरसादनी आगाही कराई छे, जेमां दक्षिण गुजरात में भारे वरसादनी आगाही छे। आ उपरांत सौराष्ट्र में हळवा अने मध्यम वरसादनी आगाही छे। अमदावाद में वरसादी झापटा रहेशे। उत्तर गुजरात में हळवाथी मध्यमनी आगाही छे। 3 दिवस ઉત્તરનો દરિયો કિનારો ન ખેડવા માછીમારોને ચેતવણી અપાઈ છે। કચ્છમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી છે। 3 દિવસ વરસાદી માહોલ જામશે। હાલની સ્થિતિ પ્રમાણે જુલાઈ મહિનામાં વરસાદની 36% ઘટ છે। 3 દિવસ બાદ વરસાદ વિરામ લેશે। अगले 5 दिन में बारिश मोस्टली, अगले 3 दिन में बारिश रहेगा और अगले 2 दिन में आज और कल पूरे गुजरात में बारिश रहेगा लाइट टू मॉडरेट, लेकिन कहीं कहीं जगहों में भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है। मोस्टली साउथ गुजरात रीजन में जैसे बलसाड, नवसारी, दमन, दादरा, नगर हवेली में भारी से अति भारी बारिश होने का संभावना है और भारी बारिश रहेगा डांग, तापी, सूरत में भारी बारिश होने का संभावना है। डे 1, डे 2 सौराष्ट्र में ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हार्डली आइसोलेटेड हैवी रेन होने का संभावना है। जैसे आज रहेगा सौराष्ट्र में द्वारका, कच्छ में भी आइसोलेटेड हैवी रेन हो सकता है द्वारका में, और जामनगर, पोरबंदर में भी भारी बारिश होने का संभावना है। नॉर्थ गुजरात और ईस्ट सेंट्रल गुजरात में मोस्टली लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा, भारी बारिश होने का संभावना नहीं है। भारी बारिश यानी 7 सेंटीमीटर रेन। अहमदाबाद में कल जैसे आज भी बारिश होने का संभावना है, लेकिन उसका स्प्रेड पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन बारिश रहेगा। अभी बारिश हुआ है जितना, वो अभी डेफिशिएंट है, फिर भी अभी गुजरात स्टेट में डेफिशिएंट है, 36% डेफिशिएंट है। फिशरमैन वार्निंग है एंड पोर्ट वार्निंग भी है, पोर्ट में सिग्नल भी दिया गया है LC3, क्योंकि अभी लो प्रेशर एरिया, कोस्टल एरिया ऑफ कच्छ का जो कोस्टल एरिया का ऊपर पड़ा है, तो इसलिए नॉर्थ गुजरात कोस्ट के लिए जितने पोर्ट है उनके लिए सिग्नल होस्ट किया गया है LC3, और फिशरमैन के लिए अगले 2 दिन के लिए, गुजरात कोस्ट के लिए अगले 3 दिन के लिए वार्निंग है।